अभी कुछ दिन से जो है यूपीआई में बहुत बड़ा अपडेट आया है, जो हम बहुत दिन के बाद ही वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि जब तक हम लाइव खुद फॉरगेट पासवर्ड नहीं करेंगे तब तक हम खुद चेक नहीं करेंगे, और तब तक हम बताने वाले नहीं थे ना किसी को देने वाले, तो इसके लिए ये कारण है। तो अभी लाइव हो चुका है, तो आप लोग को फॉरगेट कैसे करना है, कैसे पोर्टल में लॉगिन करना है आप लोग को बता देते हैं। और दूसरी बात यह है, जो मेरा रिटेलर मैम का सब परेशान हो गए, कम से कम 8-10 दिन से प्रॉब्लम आया है, जब से साइट नया चेंज हुआ है यूपीआई का तब से ये प्रॉब्लम आया है, क्योंकि पहले तो अलग हिसाब से होता था तो तुरंत ही हो जाता था लॉगिन, क्योंकि पता एक ही पोर्टल था, अभी पोर्टल चेंज हुआ यूपीआई में खुद अब लॉगिन होगा, क्योंकि पहले पीएसए में लॉगिन करते थे, पीएसए में नहीं यूपीआई में लॉगिन करना, और इसको लॉगिन करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा आप लोग को मैं लाइव करके दिखाऊंगा। सबसे पहले तो जिस भी पोर्टल से आप काम कर रहे हैं, चाहे डिजिटल सर्विस हो या कोई सा भी, सबका पोर्टल जो है मर्ज हो गया इसके साथ, यूटीआई के साथ, इसके कारण से यूटीआई में अब डायरेक्ट आईडी लॉगिन होगा, क्योंकि बहुत पहले से रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर को बता दिया गया था जो ये कुछ दिन बाद, क्योंकि बहुत दिन से चेंज नहीं हुआ था, और भी चेंज होने वाला है और हो भी गया है, क्योंकि साइट चेंज हो गया जब से तो आदमी को बहुत परेशानी दिक्कत हो गया, कोई बोल रहा है मेरा लॉगिन नहीं हो रहा है, कोई बोल रहा है ऐसा है वैसा है, आप लोग काम सही से नहीं करवा रहे हैं, तो इसके कारण से हम बहुत दिन से मैं भी परेशान रहा, क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारा आदमी घुमा के दे दिए, किसी का पैन कार्ड नहीं बना, ना ही रिटेलर को बनवा पा रहे हैं, ना ही खुद बना पा रहे हैं, मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर हैं, सुपर डिस्ट्रीब्यूटर। तो अभी जो है कैसे लॉगिन करना है और कैसे क्या करना है सब आप लोग को लाइव करके दिखाऊंगा, और बैलेंस एड करने का जो है ये नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें बैलेंस एड करने का हम बता देंगे। तो मेरा निवेदन है, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ऐसे नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए। मेरा साइट तो जो है देखो आ गया, कोई यहाँ पर करना क्या है, डेस्कटॉप में खोलेंगे तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर लॉगिन में मारना, लॉगिन में जैसे मारेंगे यहाँ पर देखो ये जो फॉरगेट लिखा हुआ है इसी में क्लिक करना, तो मारेंगे अपना जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर था जो यू पी आई में आई डी लिए थे पहले वही वाला मोबाइल नंबर डालना है, देखिए पासवर्ड आ चुका है, ऐसे ही पासवर्ड आएगा, इसमें लॉगिन करना है।